नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। दिल्ली प्रदेश, यहाँ पर यूपी बिहार से आए बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ पे देवली विधानसभा में कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। 2015 विधानसभा चुनाव के समय यहाँ के विधायक प्रकाश जारवाल ने यहाँ के क्षेत्र की जनता से, यहाँ पे यूपी बिहार के बसे हुए लोगों से बहुत से वादे किए थे कि आपके देवली विधानसभा में हैं, अनगिनत विकास कार्य करेंगे। लेकिन आज उनको विधायक बने 4.5 साल हो गए, लेकिन अभी विकास के नाम पे यहाँ पे कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अगर नज़र आ रहा है तो पानी माफिया का बढ़ता हुआ। आज इन्हीं सब समस्याओं को हमारे साथ साझा करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ देवली विधानसभा में गंभीर सिंह राजौरा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से दक्षिण दिल्ली से उपाध्यक्ष हैं SC मोर्चा के। आज हम इनसे बात करेंगे क्षेत्र की समस्याओं को लेके, राजनीति मुद्दों को लेके। सर, आपका हुंकार 24/7 में स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रकाश जारवाल जी ने 2015 विधानसभा चुनाव के समय में देवली विधानसभा की जनता से बहुत से वादे किए थे, जिसमें मुख्य रूप से तीन वादे बड़े वादे माने जा रहे थे, जिसमें सबसे पहला था पानी की निकासी। देखा जाता रहता था कि देवली विधानसभा की जो सड़कें हैं पानी से लबालब भरी रहती थी, क्योंकि पानी की कोई निकासी नहीं थी। उसके लिए प्रकाश जारवाल जी ने 2015 चुनाव के समय में लोगों से वादे किए कि आपके यहाँ पे हम सीवर का काम कराएंगे। आज 4.5 साल के बाद ना सीवर का काम हुआ, ना लोगों को पीने का पानी मिला, और ना ही देवली विधानसभा की कोई भी सड़क सुचारू रूप से अच्छी है। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए जी, विधायक जारवाल जी ने तो बहुत वादे किए थे, परंतु कोई वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। रही बात पानी की, तो पानी माफिया तो आप सभी लोग जान रहे हैं किस तरीके से यहाँ की जनता पानी से परेशान है। पानी खरीद करके पिया जाता है, और सरकारें तो कई आईं और कई गईं, परंतु आज के शासन जो चल रहा है ऐसा शासन हमने नहीं देखा। पहले भी शासन रहा, चाहे कांग्रेस का शासन हो चाहे BJP का शासन हो, पर उसमें कोई पानी बेचने का कोई मतलब नहीं होता था। फ्री पानी मिलता था, जब भी हम कॉल करते थे फ्री पानी मिलता था। सर, केजरीवाल जी ने भी अपने 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि लोगों को 20,000 लीटर पानी दिया जाएगा, लेकिन ये देखा जाता रहा है और सुनाई में भी आ रहा है कि जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी निःशुल्क लोगों को मिलना चाहिए, क्षेत्र की जनता को मिलना चाहिए, देवली विधानसभा के लोगों को मिलना चाहिए, वो पानी प्राइवेट टैंकरों के माध्यम से विधायक के द्वारा बेचा जा रहा है, काला बाजारी चल रही है पानी में। देखिए सर, ऐसा है कि हमारे मुख्यमंत्री जारवाल जी ने जो वादा किया था कि पानी फ्री दूंगा, बिजली के बिल माफ़ करूंगा, हाफ़ करूंगा, ये सारी सब मनगढ़ंत कहानी थी उनकी। और देवली विधानसभा ही नहीं, पूरी दिल्ली ने उन पर इतना भरोसा किया कि एक ऐसा व्यक्ति ईमानदार आ रहा है जो कि हमारे इस दिल्ली का भविष्य ही बदल देगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो किया नहीं। जैसे उन्होंने कहा था कि मैं फ्री पानी दूंगा, वाईफाई फ्री दूंगा, ये कई चीज़ें उन्होंने बताया, कोई भी काम करके नहीं दिया। आपने देखा होगा कि यहाँ की जो देवली विधानसभा के अंदर देख लीजिए आप कि पानी माफियों की देख लीजिए कितनी लाइन लगी होती है। पानी बिक रहा है, घर घर में पानी दिया जा रहा है तो खरीद के पीता है। उन्होंने पानी की व्यवस्था ही नहीं करी। पानी यार गरीब आदमी करे क्या, मोल खरीद के पिएगा? न उन्होंने कोई ट्यूबवेल वगैरह लगवाए। पूर्व विधायक यहाँ के विजय जौली जी साहब रहे थे, उन्होंने पहले ट्यूबवेल भी लगवाए थे, और ये सोनिया बिहार की जो पाइपलाइन थी वो विजय जौली के समय में डली हुई है। इन्होंने सोनिया बिहार का पानी की व्यवस्था नहीं करी। इन्होंने सोनिया बिहार की पाइपलाइन डाली तो विजय जौली, और पहले हमारे जो है रमेश भिदुरी जी विधायक हुआ करते थे पहले वो, और हमारे पूर्व विधायक विजय जौली जी ने सोनिया बिहार की पाइपलाइन डाली। और राष्ट्रपति शासन के अंदर अब तिगड़ी वालों को मालूम नहीं है कि प्रकाश जारवाल ने ये सोनिया बिहार का पानी नहीं दिया। तिगड़ी के अंदर सोनिया बिहार का पानी दिया तो राष्ट्रपति शासन के अंदर सांसद श्री रमेश भिदुरी जी ने दिया था, आपको याद हो, नई बस्ती के अंदर उन्होंने खुद खुलवाया था, हमने अपनी आंखों से देखा था। और आज इतना झूठ बोल रहा है जारवाल जी, इतना झूठ बनता कि मैंने सोनिया बिहार की पाइपलाइन डालवाई है और आपने क्या किया, तो ये झूठ है। जनता सब जानती है, जनता को सब मालूम है
कि प्रकाश जारवाल जी आप पर इतना भरोसा किया था शायद जनता अब आपको जान चुकी है कि आगे आने वाले समय के अंदर जनता उनको बताएगी कि जारवाल जी तुमने क्या काम किया था क्या नहीं किया था। सर बात करी जाए एजुकेशन की, बच्चों की शिक्षा की, उसके लिए स्कूल की, तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने 2015 चुनाव के समय में 500 नए स्कूल खोलने की बात कही गई थी पूरे 70 विधानसभाओं में। पिछले 4.5 साल में आपके देवली विधानसभा के अंदर कितने स्कूल विधायक प्रकाश जारवाल के द्वारा बनाए गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरी नज़र में तो एक भी स्कूल इस समय इनके शासन में कोई खुला नहीं। और इन्होंने कॉलेज की बात करी, शायद कॉलेज की कोई ईंट 70 कॉलेजों में से शायद मुझे नहीं लगता उन्होंने 2 कॉलेज का भी उद्घाटन किया हो। और संगम विहार क्षेत्र के अंदर इतने जनसंख्या है उसके अंदर एक कॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। और जो इन्होंने वादा किया था कि मैं यहाँ पे कॉलेज बनवाऊँगा, कॉलेज नहीं बनवाया। उन्होंने कहा था कि यहाँ की कच्ची कॉलोनियों को मैं पास करवा दूँगा, वो नहीं कराया। और तो और उन्होंने ये बोला मैं लोकपाल बिल लेके आऊँगा, वो लोकपाल बिल बन के रह गया। कहाँ गया वो लोकपाल बिल? अन्ना हजारे के उसमें आंदोलन में उतरे थे और वहीं से ये निकले थे कि मैं लोकपाल बिल बनाऊँगा। उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो शीला दीक्षित सरकार है वो भ्रष्ट है, मैं और ये भ्रष्ट है इसको मैं जेल भेजूंगा। उन चीज़ों को सारे को ही भूल गए। सारी चीज़ें भूलने के बाद अब कहते हैं मैं पक्की कॉलोनी में करवा रहा हूँ। आप मुझे बताओ, जब तक केंद्र के अंदर में आता है, केंद्र के अनुसार ही ये कच्ची कॉलोनी पक्की होंगी। ये कंडीशन जो है केजरीवाल जी उनको दे दें और ये कच्ची कॉलोनी वो पक्की हो जाएगी। लेकिन सर जैसे कि अभी देखा जा रहा है, जैसे कि अभी कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव से पहले देखा गया था पूरी दिल्ली के अंदर एक बधाई हो वाले पोस्टर पूरी दिल्ली के अंदर लग गए थे एक आम आदमी पार्टी की तरफ से और पूरी दिल्ली जगमगा गई थी, दिल्ली की सड़कें जगमगा गई थी। ठीक उसी तरह अब अनऑथराइज कच्ची कॉलोनियाँ जो हैं वहाँ पर रजिस्ट्री खोलने वाली बात वाले एक बैनर पूरी दिल्ली के अंदर फिर से लगने शुरू हो गए हैं, तो ये क्या है फिर इसके ऊपर क्या? देखिए जी, केजरीवाल जी तो बहुत चतुर आदमी है, बोलने की भाषा अच्छी है, गरीबों के मन मोहने की बात है उसके अंदर कि गरीब लोगों को कैसे मनमोहन किया जाए। तो वो जो कहते हैं ना वो समझ में अब जनता जान चुकी है, वो दिखावा है उनका। झूठ बोलने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया साहब। सर आज आपके द्वारा देवली विधानसभा में बांध रोड के पास सदस्यता अभियान चलाया गया था, तो उसके बारे में ज़रा बताइए कितने सदस्य आप लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर चुके हैं आज? देखिए आज का रजिस्ट्रेशन तो कम से कम 1000 से ज़्यादा जा रहा है, परंतु ये सदस्यतावान हमने इसलिए रखा, भारतीय जनता पार्टी की एक नीयत साफ है और नीयत साफ होने के साथ साथ विकास है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि प्रत्येक गरीब को केंद्र की सुविधाएं मिले, केंद्र की योजनाएं निचले अंत्योदय अंतिम में जो व्यक्ति खड़ा है उसको उस योजना का लाभ मिले। और लाभ मिलेगा कैसे? जब तक हम किसी सरकार से जुड़ेंगे नहीं तो सरकार हमें देगी कैसे जी? इसलिए ये हमारा जो सदस्यता अभियान चल रहा है, हमारे ये मोदी जी का एक एम्स है कि प्रत्येक गरीब से गरीब आदमी को केंद्र सरकार की जितनी सुविधा है, जितने योजना हैं वो गरीब से गरीब तक पहुँचे। और वो ऑनलाइन के द्वारा, जैसे कि जब तक हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, जैसे मैं यहाँ का बीजेपी का आज मैं 30-35 साल हो गए मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ। आप जिस रोड पर चल के आए हो वो भी मैंने यहाँ पे जो है ना फ्लैट बारमेंट से विजय जौली पूर्व विधायक थे, उन्होंने एनजीओ के माध्यम से ये 1428 गल के घरों के अंदर गलियाँ साफ और पक्के जो गलियाँ बनवाई थी, ट्यूबवेल लगवाए थे। तो अब जब मैं यहाँ का कार्य करता हूँ, जब मैं घर घर में नहीं जाऊँगा, मैं अपने पार्टी के बारे में नहीं बताऊंगा, योजना के बारे में नहीं बताऊंगा, तो गरीब लोगों को पता कैसे लगेगा? इससे ये माध्यम है कि हम ये सदस्यता के नाम से हम घर बन घर जा रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि लोग, जब मैं घर में जाता हूँ तो एक की जगह 10 लोग मिल जाते हैं मेरे को और वो कहते हैं साहब मोदी सरकार बहुत बढ़िया सरकार है और आप तो आए हमारे घर पर। हमने उनको कई योजनाओं के बारे में, जैसे मोदी जी को 56 इंची का सीना, तो 56 योजना भी तो चल रही दिल्ली के अंदर,
56 योजनाओं का लाभ किसे मिलेगा? जो जानकार होगा उसे मिलेगा। और 56 योजना के बारे में हम जब गरीब को नहीं बताएंगे तो गरीब को लाभ मिल ही नहीं सकता। इसलिए हमने घर घर जा कर के सदस्यता अभियान चलाया है और सभी को जोड़ा है। और हमने बेकायदा हमने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है, हर पर्ची पे मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा। कभी भी इनको कोई जानकारी लेनी है वो स्वयं आए। और आप जिसे ऑफिस में बैठे हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ही, समाज सेवक के लिए ही मैंने ये ऑफिस खोला है। सर, 2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात करी जाए तो 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है दिल्ली प्रदेश के अंदर। अरविंद केजरीवाल 2 बार CM बन चुके हैं, दोनों कार्यकाल केजरीवाल का मिला के लगभग 6 साल का समय उनको हो चुका है, तो तकरीबन 21 साल हो चुके हैं। तो 21 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से दूर रही है जी। आगामी 2020 चुनाव में अरविंद केजरीवाल सरकार को किस तरह से चुनौती दे पाओगे आप, क्योंकि उनके पास अभी भी 67 विधायक हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, जारवाल जी, वो केजरीवाल जी ठीक है, वो उनके 67 आज विधायक हैं, परंतु जनता अब समझ चुकी है कि केजरीवाल जी ने जो वायदे किए थे सारे झूठे थे। कि न उन्होंने अभी तक कोई कैमरा इस समय हमारे क्षेत्र के अंदर देख लिए। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं देवली विधानसभा की बात कर रहा हूँ। आपको कितने कैमरे मिले हैं? आपको कितना वाईफाई मिल रहा है? आपको फ्री वाईफाई, फ्री कैमरे लगवा दूंगा और महिलाओं के लिए सी कोटी दे दूंगा। और देखिए, केजरीवाल जी वो चतुर व्यक्ति हैं, वो उन्हें पता है। उन्होंने कहा था कि मैं गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं लूँगा, उन्हें पता है कि मैं CM बन जाऊँगा तो मुझे हर हालत में ही जो है ना गाड़ी घोड़ा सारे बंगले मिलेंगे, वो लिए उन्होंने। और ये यहाँ तक है कि अब वो कह रहे हैं कि मैं महिलाओं के लिए बसें फ्री, मेट्रो फ्री। आप मुझे बताओ, कोई चीज़ फ्री तो नहीं मिलती ना जी। और जो फ्री में मिलती है वो चीज़ अच्छी भी नहीं होती, क्यों? नुकसान अपने आप को भी होता है। कभी भी फ्री की चीज़ सही नहीं होती। मेरा कहने का भाव यह है कि ये बेवकूफ बनाना केजरीवाल जी का एक ख्याल है कि जनता को बेवकूफ बनाओ और शासन चलाओ। तो अब वो शासन चलने वाला नहीं है, अब तो जनता बहुत कुछ जान चुकी है। क्षेत्र दिल्ली का जो विकास रुक गया, 10 साल पीछे हो गया। आप किस क्षेत्र में मुझे बताना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में केजरीवाल जी ने काम किया और आज 5 साल के, हाँ काम करते तो नजर आता। दूसरे की बुराई करना इनसे सीखो, और फिर पलटवार हो जाना, कहने के बाद मुकर जाना। कई ऐसे केस हैं इनके ऊपर, आपको पता होना होगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, केजरीवाल जी ये झूठे वादे करना बंद करो, विकास के काम है उन्हें अभी शुरुआत कर दो। सर, आप काफ़ी लंबे समय से समाज सेवी के तौर पे क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पे आप माने जाते हैं देवली विधानसभा में, और काफ़ी लंबे समय से आप सक्रिय हैं। तो अब तक आपके द्वारा क्या क्या क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या काम आपने किया है बिना किसी पद पर रहे? देखिए जी, मैं 2007 में मैंने अपनी एक NGO बनाई थी, राष्ट्रीय सर्वशक्ति सेवा संस्थान, जो NGO के माध्यम से मैंने गरीब लोगों को पढ़ाना और ये सिलाई कढ़ाई बुनाई लड़कियों के लिए और गरीब बेटी की शादी करना, इसी क्षेत्र के अंदर सर्वप्रथम अगर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाया है तो गंभीर सिंह रजौराना है इस संगम बिहार के अंदर पहला झंडा 92 के अंदर गाड़ा, 98 के अंदर यहाँ पे मैंने काम किया। इसके बाद में ये संगम बिहार के अंदर अस्थल मंदिर से आप आए हैं, ये जब पूर्व विधायक हमारे जौली जी थे उस समय फ्लैट डिपार्टमेंट से और ये SC कोटे से इन्होंने ये क्षेत्र का जो सड़क पक्की नज़र आ रही है वो जौली जी की देन है। और यहाँ 1428 घर के अंदर जो पानी मिल रहा है, आपने देखा होगा, निस्वार्थ भावना से यहाँ पानी दिया जाता है। मैं 1 रुपया इस ट्यूबवेल पर कभी भी नहीं लिया, फ्री पानी दे जाता है, ये जौली जी की देन है। उन्होंने ये गली नंबर 11 में जो ट्यूबवेल लगाया था। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जौली जैसा हमारे विधायक अगर जारवाल जी के अंदर इतना थोड़ा बहुत भी मन होता, काम करने की इच्छा शक्ति होती, तो इस क्षेत्रफल का चेहरा ही दूसरा होता। और हम जैसे गरीब लोग, झुग्गियों में बसने वाले लोग और संगम विहार के अंदर गरीबी में जो जी रहे हैं, जो 8,000 की तनख्वाह नहीं है,
पानी में ही पैसा जा रहा है, तो वो अपने बच्चों का पेट पालन कैसे करेगा। मैं तो जारवाल जी को देखते में ये कहता हूँ कि यार जो इतना जनता ने विश्वास किया, ये एससी की सीट है, अनुसूचित जाति की सीट है, गरीब लोगों की सीट है, और गरीब लोगों का अगर हमने चुनिंदा व्यक्ति उतारा है तो लोगों की आंखों में ये विश्वास था कि हाँ हमारे देवरी विधानसभा का और अच्छा विकास होगा। परंतु विकास के नाम पे यहाँ पे जीरो हो गया, क्रॉस लग गया है। सर, जैसे कि आप काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे सक्रिय हैं और जनता के बीच जाते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं, उनका समाधान भी करते हैं, तो अगर पार्टी 2020 चुनाव में आपको कोई नई जिम्मेदारी दे तो क्या करेंगे आप? नहीं, मैं अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी कोई भी मुझे जिम्मेदारी देगी, मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ, अपने विश्वास के साथ, अपनी आत्म इच्छा के साथ मैं वही काम करूंगा जो मुझे वो देंगे, उन सर आँखों पर उठा करके, और मैं अपने इच्छा से काम करूंगा और सशक्त और काम करूंगा। मेरा मन है मैं समाज के अंदर रहूं, मुझे बड़ा नेता नहीं बनना है, सच्चाई में। 94 के अंदर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, झुग्गियों में रहता था। 94 के अंदर मेरे झुग्गियों में एक्सीडेंट, दो जगह से पैर छूटा, टूट गया था, तो बत्रा हॉस्पिटल के अंदर मेरा इलाज हुआ और 3 साल तक लगातार चला। मेरे पास में कुछ भी नहीं था, लोगों ने ब्लड दिया है। नफीज नाम का एक बंदा था, मुसलमान का बच्चा था, उसने मेरे को ब्लड दिया था, और कितने लोगों ने मेरे को खून दिया है। तो मैंने यही मांगा था ऊपर वाले से, परमात्मा मुझे ठीक कर दे, मैं समाज सेवा करूँगा, मैं तेरे नाम पर ही जो मेरे से होगा वो मैं जनता के लिए, भलाई के लिए करूंगा। तो मैं आज खुश हूँ, ऊपर वाले ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरा पैर ठीक न होने के कारण फिर भी मैं 24 घंटों में से 12 घंटे आज भी मैं समाज सेवा करता हूँ। मेरे बच्चे खूब पढ़े लिखे हैं, मैंने बच्चों को पढ़ाया है, झुग्गियों में से निकले हुए हुए और यहाँ तक आ गया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया है, मुझे बहुत कुछ मिलता है, मुझे मान मिलता है, सम्मान मिलता है। आज तो एससी के लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुत मिल जाएंगे, परंतु 98 के अंदर, 2002 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुसूचित जाति मोर्चे से सिर्फ मैं ही आता था, और आज तक मैं उसमें ही काम कर रहा हूँ। मुझे न तो पद की इतनी इच्छा है और न मुझे टिकट की इच्छा है। टिकट मिले न मिले ये तो किस्मत की बात है, टिकट मिले न मिले ये किस्मत की बात है, और कोशिश न करे ये तो गलत बात है। तो ये थे हमारे साथ गंभीर सिंह राजौरा जी। इनके मुताबिक प्रकाश जारवाल ने पिछले 4.5 साल से क्षेत्र में कोई भी विकास के नाम पे कोई भी काम नहीं किया। बात करी जाए यहाँ पर केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी ने 2015 में विधानसभा चुनाव में 500 नए स्कूल खोलने की बात तो कर दी 70 विधानसभा में, लेकिन अगर विधानसभा वाइज जाके देखा जाए तो स्कूल कहीं भी नए नहीं बनाए गए। हाँ, पुराने स्कूल बने हुए हैं उनको रिपेयर करा दिया, मरम्मत करा दी, लेकिन नए स्कूल कहीं नहीं बनाए, ना ही उनके द्वारा 70 विधानसभा में 20 कॉलेज खोले गए हैं। अब देखने वाली बात यह है, 2020 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, जो जो वादे प्रकाश जारवाल ने देवली विधानसभा के क्षेत्र की जनता से और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से किए थे, क्या 2020 विधानसभा चुनाव आते आते वो उसको पूरा कर पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी 21 साल के बाद एक बार फिर दिल्ली की सत्ता में वापसी कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप देखते रहिए हुंकार 24/7। धन्यवाद।